अभी बहुत सारे मशीनों में देखोगे या प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग स्टेज होते हैं ना, तो उसमें हर स्टेज में सेट होता है प्रेशर, पोजीशन और स्पीड हर एक स्टेज की होती है। ऐसा क्यों? कोई ऐसा मतलब मतलब चाहते तो हम एक ही स्टेज में बना सकते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे एक स्टेज में भर दिया, प्रोडक्ट बन गया, हमारा काम खत्म, तो हम ये स्टेज क्यों देते हैं? ये इनको देने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही स्टेज में सब भर दो। कोई प्रोडक्ट अपना ज़्यादा मतलब सेंसिटिव रहता है देखो, दो दो फैक्टर होते हैं उसमें। एक प्रोडक्ट की डायमेंशन होता है, जैसे जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं उनको हमेशा स्टेप में भरा जाता है। अभी जैसे ये छोटे प्रोडक्ट हैं या और भी ऑटोमेटिक छोटे प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक स्टेज में भर लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट होता है वॉल थिकनेस, प्रोडक्ट की जो थिकनेस होती है उस पर डिपेंड करता है, जैसे मोटा प्रोडक्ट है कि पतला प्रोडक्ट है ना, उसकी जो मतलब जब थिकनेस का मतलब होता है, कोई सामान दो तो मैं बताऊँ प्लास्टिक का जो पकड़ने लायक होता है, ऐसा नहीं, इसकी जैसे थिकनेस होती है कि ये जैसे मोटा है ना, कोई कोई होता है कि जैसे बहुत पतले होते हैं, वॉल थिकनेस कहते हैं उसको। तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे छोटा प्रोडक्ट है तो एक ही बार में तुमने इंजेक्शन किया और अपना फटाक से भर लिया। अब जैसे बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, मान लो कि कार का बम्पर बना रहे हो, है ना, कितना 2.5 किलो का प्रोडक्ट है, 2.5 क्या और भी बड़ा हो जाता है, 2 किलो, 600 ग्राम या 3 किलो के लगभग, तो वो जो है प्रोडक्ट बनता है तो उसको एक बार में नहीं बना सकते। एक बार में ऐसा नहीं कि तुम इंजेक्शन कर दिए पूरा बन के चला आएगा, उसको स्टेप में भरा जाता है। एक बार गया आगे, आगे का हिस्सा भरता है, फिर पीछे का, वो मतलब ऐसा प्रोसेस होता है कि वो उसी स्टेप बाय स्टेप में उसको किया जाता है। ये चीज़ें हैं, इसलिए जो है स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़े प्रोडक्ट्स को हम एक साथ नहीं भर सकते, भरेंगे तो श्रिंक हो जाएगा तुरंत, बहुत नहीं, श्रिंक तो पक्का हो जाएगा ना। अब एक साथ खूब बड़ी जगह पे प्लास्टिक को भर दोगे तो तुरंत जैसे सॉलिड होगा सिकुड़ जाएगा पूरा, तो चारों तरफ से सिकुड़ जाएगा। इसमें क्या होता है, एक स्टेप में गया आगे, बढ़िया फिल किया, वह हिस्सा भर गया, फिर दूसरा स्टेप भरा, तीसरा भरा, वो इसी फ्लो में भरते भरते एकदम फिर लास्ट में होल्डिंग दे के एकदम टाइट कर देते हैं मटेरियल, तो हमारा जो है श्रिंकेज नहीं आता, सिकुड़ता नहीं है मटेरियल, समझे? तो ये स्टेप्स का मतलब होता है। होल्डिंग का क्या काम होता है, अभी जैसे मैंने बताया, होल्डिंग को ही पैकिंग भी कहते हैं, होल्ड करके रखना। देखो जैसे कि इंजेक्शन तुमने कराया, अब जैसे यहाँ से हमारा इंजेक्शन हो गया, मोल्ड के अंदर सारा मटेरियल भर गया, पूरा भर गया, प्रोडक्ट हमारा बन गया। अभी तुमको पता है जैसे कोई भी प्लास्टिक होती है या कोई भी जो प्लास्टिक है, जब वो गर्म होती है और उसके बाद जब उसको ठंडा करो तो सब सिकुड़ जाती है। क्या होता है, इसके अंदर मालिक्यूल होते हैं, मालिक्यूल जैसे पानी में मालिक्यूल होते हैं, हर जगह होते हैं, जैसे बर्फ़ होती है, आइस, आइस में मालिक्यूल टाइट होते हैं, उनको जब गर्म करो तो ढीले हो जाते हैं, तो बहने लगते हैं। उसी तरीके से प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं, गर्म है वो तो जो है बह रहे हैं अपना बढ़िया, चिपक गए चारों तरफ, और जैसे ही वो ठंडे हुए, सॉलिड हुए, तो एक साथ सिकुड़ जाते हैं आपस में, तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट सिकुड़ने लगेगा। उसको हम लोग कहते हैं श्रिंकेज, श्रिंक करना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, वो सिकुड़ने लगता है आपस में, तो उसके लिए हम होल्डिंग दे के रखते हैं। जैसे मतलब कि पीछे से जैसे पूरा मटेरियल हमारा पूरा मोल्ड के अंदर पहुंच, एक मोल्ड दो तो मैं बताऊं, है कोई छोटा सा मोल्ड ले, देखो जैसे ये मोल्ड है ना, तो अभी जैसे इनकी, जैसे ये बंद करोगे तो इनकी कैविटी के अंदर जो है मटेरियल भरेगा तुम्हारा, तो जब मटेरियल ऐसे फिल होता है, पूरा भर जाता है, तो क्या होता है, अब जैसे इसके बाद ये मोल्ड ठंडा होता है थोड़ी देर, अब तुरंत तो नहीं निकालते हो ना, थोड़ा सा कूल कुछ सेकंड दिया जाता है, तो जब वो ठंडा होगा तो सिकुड़ता है। अभी ये तो बहुत छोटा मोल्ड है, थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट होता है, जब ज़्यादा प्लास्टिक जाता है तो क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ेगा तो श्रिंके जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इसमें मशीन में, तुमने देखा यहाँ पे ये H1 करके लिखा है, इसको कहते हैं होल्ड, होल्डिंग, या और भाषा में कहें तो पैकिंग, पैकिंग, एक प्रेशर दिया जाता है, मतलब जैसे इसके अंदर भर गया मटेरियल तो हम थोड़ा सा मटेरियल ऊपर से देते रहेंगे इसको, कि जो है जो जितना वो सिकुड़े उतना उसको पर्याप्त मिलता रहे, तो जिससे उसको वो सिकुड़ ना पाए, और जब वो एकदम से सॉलिड बने तो वो पूरी तरह से बन पाए। ये काम होगा तुम्हारा, ये होल्डिंग करेगा H1 जो है, होल्डिंग का काम, होल्ड करके रखना, रोक के रखना मटेरियल को, मतलब प्रेशर दे के रखना, ये काम है इसका। जो कुशन मैंने बताया था, ये वो कुशन है, जो चीज़ बताई थी है ना, कुशन ऑफ है, इसको ऑन भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि उसी के सीक्वेंस में नीचे आ सकते हो, कुशन ऑन है, कुशन ऑफ है, ठीक है, हाई लो,
इंजेक्शन अलार्म, इंजेक्शन मॉनिटर, बाकी चीज़ों से उतना तुम्हें मतलब नहीं है इसमें। जैसे इंजेक्शन होता है ये स्टेजेस जान लो, होल्डिंग जान लो, है ना। अभी कुशन की ज़रूरत नहीं है तो बाकी मतलब क्या है ये तुमको पता होना चाहिए, कुशन क्या होता है। कभी ज़रूरत पड़ेगी जैसे तुम्हें लगा कि हाँ कुशन देने हैं या साल्ट हो रहा है मटेरियल, तब तुम कुशन दे सकते हो, ये उस समय काम आएगा। क्योंकि अब एक साथ सारी चीज़ें जानना भी सही नहीं होता है। ये देखो इसमें मोल्ड में, अभी मोल्ड में सीखते हैं। ये देखो ये गाइड पिन होता है, ये गाइड पिन क्या है, गाइड पिन मतलब गाइड पिन क्या होता है, जैसे गाइड करना किसी चीज़ को, एक सही दिशा देना, रास्ता देना, गाइड करना, जैसे हमारे टीचर होते, मेंटर होते, गाइड होते, उसी तरीके से ये गाइड पिन है। ये ऐसे चलेगा, ये गाइड करता है कि ये जो होल है ना ये पिन, ये इसी के अंदर गाइड होके बाकायदा ऐसे बुश में फिट हो जाए ऐसे। तो जब मोल्ड सेफ्टी की बात मैं कर रहा था, तो जैसे कोई भी मोल्ड हो, मतलब ये तो बहुत छोटे मोल्ड हैं, दुनिया में कहीं भी जाना बड़े बड़े मोल्ड मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो जब मोल्ड के पास आओगे तो अगर गाइड पिन है तो बहुत अच्छा है, अच्छे मोल्डों में गाइड पिन होता है। तो गाइड पिन क्या है, जैसे ही मोल्ड सेफ्टी में यहाँ तक आए ये सेटिंग मोड पे, तुमको दिख जाएगा, जैसे अभी पोजीशन देखोगे यहीं पे सेट करो तो आराम से ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा अपना। तो ये चीज़ करना रहता है गाइड पिन से। अब इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, उनको जान लो। जैसे